सोलन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय सोलन के सभागार में आज अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी डे मनाया गया। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हनामन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इस दिवस को मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम का थीम वन हेल्थ वन फैमिली रहा। इस अवसर पर आयुर्वेदिक अस्पताल से डॉक्टर अनीता गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शिवानी नेगी ने होम्योपैथी के बारे में आए हुए सभी लोगों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हनामन का जन्म हुआ था। इसके चलते आज के दिन को विश्व होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि WHO ने भी माना है कि होम्योपैथी पद्धति विश्व की ऐसी दूसरी पद्धति है जो कि सबसे कारगर सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि इससे मरीज को सीधा लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि यह पद्धति सुरक्षित है, असरदार है, सस्ती व किसी भी तरह का इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा, मैं आपको सबसे पहले तो होम्योपैथी दिवस पे शुभकामना देना चाहती हूँ। आज 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करा जाता है, जो हर पूरे ग्लोब में वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करा जाता है आज के दिन। और जो है हमारे वो हम जो है जो होम्योपैथी जिन्होंने इन्वेंट करी थी उनका नाम था सैमुअल हनामन सर। उनके आज जन्मदिन होता है तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन करा हमारी पैथी के लिए, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम सब जो है आज के दिन होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करते हैं। और होम्योपैथी जो है WHO ने डिक्लेयर करा है कि वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रैक्टिसिंग पैथी है पूरे वर्ल्ड में। और जो है होम्योपैथी जो है मैं सबको गुजारिश करना चाहती हूँ कि सब जो है होम्योपैथी की तरफ को अपना जो है बढ़ावा दें, क्योंकि होम्योपैथी जो है एक तो सेफ है, इफ़ेक्टिव है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और एफिकेसी भी उसकी बहुत अच्छी है और क्रॉनिक केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। जो बीमारियाँ सर्जरी से ही ठीक हो सकती हैं वो बीमारियाँ हमारी पैथी से हमने ठीक होते हुए देखी हैं। और जो है कोई भी, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, सब दवाइयाँ, ये सब होम्योपैथी की दवाइयाँ आसानी से कंज्यूम कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू।